कोई ना था, ये धरती ये अंबर कहता है हलता, सब प्यार है यहाँ, सब प्यार है ओ, जंगल सहरा पर्वत दरिया खुशहाली है हरियाली है गुनगुना के कहे रे, तो फिर चल 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 चलते हैं, हर प्यार की वादी तकते हैं, खुशबू खुशबू को तकते हैं, सारे ठीक होणगे। मैं भी ठीक हाँ क्योंकि मैं टिप टॉप रहिंदा ना यकड़ वकड़ सहिंदा, जेड़ा भी मैनू देखे वाह वाह करदा। अल्लाह जी मैं पहुंच गया मदेन, और मदेन बड़ी खूबसूरत जगह है, जस्ट 60 किलोमीटर दूर है मिंगोरा से, और मदेन से आगे मेरा सफर बढ़ता जाएगा, जहां तक जा सकता हूं जाऊंगा, और जब लगेगा कि मैं थक गया हूं या मेरा टाइम पूरा हो गया तो मुझे वहां स्टॉप ओवर लेना पड़ेगा। तो ये वादियां मैं मिस करने वाली नहीं है, बहुत कुछ खूबसूरत दिखाने को है, बहुत डिफरेंट नज़ारे होंगे, डिफरेंट एडवेंचर होगा, डिफरेंट वादियां होंगी, बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉलो मी। मित्रों पहली सौगात पेश करने जा रही है, वो भी मदेन की, और वो है ट्राउट फिश। ट्राउट फिश इस इलाके में कॉमन है, इसकी फार्मिंग भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। थोड़ा बताता चलो कि जो ट्राउट फिश है ना उसको ठंडा टेम्परेचर सूट करता है, फिर बहता हुआ पानी होना चाहिए, तब जाके इसकी जो ब्रीड है वो पलती फूलती है और फिर किसी के खाने का हिस्सा भी बनती है। आओ तालाब से मच्छी मार्क करो, दे विल पुट इट आउट और आपको वो खिला देंगे, क्यों कैसा है ना मजे का। तो यहाँ ये जो ब्रीड है ये न सिर्फ इस इलाके में सर्व की जाती है बल्कि इससे पूरे बेल्ट में जो है ये लोगों के खुराक का हिस्सा बनती है, और यहीं से फार्मिंग से निकाली जाती है और फिर पूरे इलाके में सप्लाई होती है। बहुत अच्छा इलाका है, जगह जगह आपको यहाँ फिशिंग के फॉर्म नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ढाबे भी होंगे जहाँ फिश को टक 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 करके या कहीं फ्राई करके या कहीं रोस्टेड करके आपको खिला दिया जाएगा। आए जरूर मदेन, और मदेन में जब आप स्टॉप ओवर लें तो ट्राउट फिश जरूर खाइएगा, बिकॉज ये यहाँ की सौगात है। फार्मिंग से रिलेटेड मेरे साथ दोस्त मौजूद है और इनसे बात करते हैं कि ट्राउट फिश जो है जो इस इलाके में बड़ा कॉमन भी है और सौगात भी है, वो
कैसे किन मराहल से गुजरता है, ये बताए कितना टाइम लेता है एक फिश की छोटी ब्रीड से फाइनल इस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए? अच्छा, बहुत मेरे बन इसमें तो हमारे साथ जो है ना टोटली एक साल लगती है, 12 महीने। तो ये हम बेच जो सेल करते हैं वो 250 ग्राम का होता है, जो अभी ये हम ये पकाई है 250 ग्राम का है, जो बच्चे से लेके अंडे से लेके 250 ग्राम का जो मछली होता है ट्राउट वो एक साल में बन एक साल उसका पूरा टाइम लगता है। इसकी कुछ स्पेशल खुराक होती है? स्पेशली तो ऑलरेडी ये तो स्पेशल ही है क्योंकि ट्राउट है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये तो बाहर से आती है, तो इसमें जो जायका है वो भी बहुत अलग है। इसमें कांटा नहीं है, जो खासकर हाथ की मरीज जो उसके लिए बहुत मुफीद है, बच्चे खासकर बहुत आसानी से खाते हैं। मेरा फिश रेडी है, वैसे मैं चुन के नहीं लिया, मैं तो इनकी गल की थी पर मेरे हिस्से से फिश आ गई, सो ट्राई करता हूँ थोड़ा सा कि कैसा है, हम खाता हूँ लेकिन लेट मी ट्राई। ये कैसे हो सकता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें और सवात की वैली का रुख करें और फिर आप वहां ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक ना सुने, और जब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र होता है तो रबाब से बढ़कर इस खत्ते की पहचान कुछ हो नहीं सकती। ये हर जगह गूंजता है, सुनाई देता है और इसकी डेप्थ इतनी है कि आप फील करेंगे, चाहे आप इस लैंग्वेज से दूर है या करीब है, लेकिन आप इसकी फीलिंग वाकई आपको शेक करेगी। तो क्या खूबसूरत मीठी इसकी फीलिंग होती है, वो बताने की नहीं है, फील करने की है। और मैं इस वक्त बैठा हूँ एक दरिया के किनारे और मुझे पानी की आवाज भी आ रही है और साथ साथ रबाब हो जाए तो क्या ही बात होगी। चलो मैं भी सुनता हूँ और आपको भी सुनाता हूँ। सो मेरे साथ शाही करम साहब मौजूद है जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वेल नोन है फॉर द रबाब और रबाब के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो शाही साहब कुछ सुनाएंगे आप हमें? प्लीज, थैंक यू। क्या बात है, वाह कहते हैं वॉलनट यानी अखरोट। और मदेन की इस मार्केट में आपको जगह जगह ये
सितंबर के सीजन में नजर आएंगे, उसकी वजह यह है कि ये आखिरी फसल होती है, ये आखिरी फ्रूट है जो कि पकता है और उसके बाद ये मार्केट में पहुंचता है। व्यापारी जो है वो अपने घरों से और मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा करके मार्केट में लाते हैं, होलसेल मार्केट में, मंडी में ये मिक्स हो जाता है और लोग जब मंडी वाले खरीदते हैं तो फिर उसके बाद एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो होता है लोगों तक पहुंचाना, दूसरे मार्केट तक पहुंचाना। तो पहले इसको ड्राई किया जाता है, जो थोड़ी सी नमी इसकी गिरी में रह जाती है उसको भी ड्राई किया जाता है। दो पोर्शन इसके बन जाते हैं, एक ये कि बिल्कुल ड्राई अखरोट चला जाता है, दूसरा ये किसी गिरी निकाल के भी ड्राई की जाती है। ये यहाँ की सौगात है, जरूर लेके जाइए जिन लोगों को तक पहुंचता है। और बड़ा खूबसूरत अखरोट है और आई कांट इवन मिस इट, आई गॉट टू टेस्ट समथिंग फॉर माय सेल्फ। और कालान की इन वैलीज में ऐसे ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ डेली यूजेज तक नहीं रहता बल्कि उससे कुछ ऐसा भी बनता है जो घरों की जीनत बनती है। मतलब अखरोट का जो दरख्त है और उसके अलावा जो दियार है उसकी लकड़ी से जो कुछ बनता है वो बहुत अमेजिंग होता है। और वुड कार्विंग का काम इस इलाके में बड़े अरसे से चला आ रहा है और अब तो बकायदा बिजनेस बन चुका है, बकायदा एक इंडस्ट्री बन चुकी है और इनहेरिटेड चल के आ रहा है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनको भी इनहेरिटेडली तौर पे मिला था। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? सन 1967 से। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका ये काम कितना बारीकी वाला है? ये तो बारीक तो ये है कि बस इसमें तो ये इसमें बहुत बारीक काम भी होता है और आम काम भी इसमें आता है। डिमांड ज्यादा है? डिमांड बहुत ज्यादा है और हर आदमी सोचता है कि मैं अपना कारोबार और भी वसी करूँ, क्योंकि गोरे लोग बहुत आते थे पहले, आजकल भी ज्यादा एक्सपोर्ट है इसका। और लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती है इसमें? पहले जमाने में जो लोग इस्तेमाल करता था वो तो जियार इस्तेमाल करता था, सब जियार, और बाकी फाइन वुड जो है वो बहुत कम है। आजकल जो इस्तेमाल होता है यहाँ पर वो और मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करता है। ठीक, तो यही हुआ चाचा जी, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्री की खुशी बात यह कि ये अब लोगों के घरों तक महदूद नहीं रहा बल्कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो एक बिजनेस बन चुका है और पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर जो वुड कार्विंग का काम है वो जाता है तो पसीराई हो रही है, ब्रांड जाता है, पाकिस्तान का नाम अटैच है। तो वेरी गुड इंडस्ट्री और इनहेरिटेडली प्रोटेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। पता मैं
कलंक कहु मादास हो है और करवटो खाकी कलंक कहु मादास हो है और करवटो खाकी गोरा पनप सब शीतान बांधियों पूर पूर को सचल जी तो पहर रे मान बांधियो पूर को पता मयन तो गले तक ये है कि आप जा रहे हैं बहरेन और कुछ मिनट पहले यहाँ पे बड़ा सूरज चमक रहा था, खूबसूरत सूरज निकला हुआ था, गर्मी भी फील हो रही थी और एकदम से काले बादल आना शुरू हो गए, छा गए पूरे आसमान पे और फिर बारिश की बूंदे गिरना शुरू हो गई। और जब ऐसा मौसम बन गया तो मैंने कप्तान से बोला, कप्तान साहब थोड़ा होलिए चलिए, थोड़ा धीरे चलिए, इस माहौल का एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं और वाकई ये जर्नी मिस करने वाली नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, दरख्तों की खुशबू भी आ रही है और नीचे हमारी रोड के साथ पानी चलता हुआ नजर आ रहा है और रोड के ऊपर बिल्कुल फ्लश बना हुआ जैसे शीशा बन जाता है, इतना क्लीन रोड नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द रेन और टप टप की आवाज मेरी स्क्रीन पे आ रही है और ये भी बड़ी फैसिनेटिंग है। हल्की बारिश की बूंदे गिर रही है, हमने सफर स्लो कर लिया है और मेरा ख्याल है एंजॉयमेंट काफी हो गई है। तो कप्तान साहब थोड़ी गाड़ी के रेस बढ़ाए और हम आपको मिलते हैं आगे। तुसी इतनी भी मैंने वेख रहे हो, चलो जी तुसी फड़ी ले, मैं दस देना। खाने की कैपेसिटी मेरी बड़ी कम है लेकिन जलेबी खाने की कैपेसिटी मेरी बहुत ज्यादा है। सो जलेबी, ऊपर से बारिश, ऊपर से छतरी, थोड़ी सी ठंड भी और आमद आमद हो बहरीन की तो बता नहीं सकता। आके देख लो तुसी भी, चख लो। बाजार में आपको जगह जगह हैंडीक्राफ्ट की शॉप मिलेंगी और बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको इस इलाके का और यहाँ के लोगों की मेहनत उस पर शामिल है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और डिफरेंट चीज मैं दिखाने लगा हूँ वो ये है कि यहाँ पे सफेद कपड़े के ऊपर डिफरेंट तरह के पैच बना दिए जाते हैं हाथ से और ये हर तरह के कलर उसमें मिक्स होते हैं। तो अमूमन हमने ये देखा है कि सूट पूरा प्रिंटेड मिलता है लेकिन यहाँ पे ये पैच बनाए जाते हैं, गला देन जो स्लीव्स होती हैं और डिफरेंट पोर्शन होते हैं सूट के वो इसके ऊपर बनाए जाते हैं। फिर आप यहाँ से लेके अपने दर्जी को दे सकते हैं और फिर आपका दर्जी जो है आपके सूट के ऊपर फिक्स करेगा और ये हर कलर को सूट करेगा क्योंकि इनके अंदर हर तरह के कलर मिक्सचर किए गए होते हैं। खूबसूरत नजारा दरियाए स्वात का और ये नजारा मिस करने वाला नहीं है बहरीन के मकाम पे। जब ये दरिया तंग हो जाता है तो ये पानी जरा बहाव में नजर आता है और बिल्कुल लश ब्लू पानी आपको नजर आता है और अमेजिंग। बहरीन की खास बात ये है कि यहाँ से 13 किलोमीटर नीचे मदेन है और आगे 35 किलोमीटर ऊपर जो है हमें कालाम मिलता है। तो ये खूबसूरत जंक्शन पॉइंट है और मजे की बात आपको यहाँ खुद अट्रैक्ट करेगी। जब आप आएंगे तो आपको एक तरफ तो पहाड़ और दूसरे साथ ही बहता हुआ पानी और पानी का इतना साफ कलर, इतना खूबसूरत बहता हुआ पानी और एक मौज में रवा पानी आपको नजर कहीं नहीं आएगा इस पूरे वादी में सिवाय इस पॉइंट के या इससे आगे कहीं नजर आएगा। ब्यूटीफुल नजारा है, कांट मिस दैट, यू ऑल्सो एंजॉय दैट, फील कीजिए, लेट मी फील इट।
यात्रा कार्ड बड़ा मजे लगाया है। मैंने अपनी गाड़ी का भी वो कलर लगाया हुआ है, तो हम शूटिंग कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ी देर आपके ट्रक में आके बैठ जाते हैं। तो ये जो ट्रक है ये कितने दूर से चला के आ रहे हो? हम तो सारा पाकिस्तान में चला कर। ओहो, पूरा पाकिस्तान? हम खुद गया, अभी गया गिरगिट, गया गिरगिट से वापस आ गया, अभी जा रहे कालाम। अच्छा, जाएगा वाह वाह। कितने कितने दिन इस सफर को कंटिन्यू करते हैं? लेकिन इस ट्रक की बड़ी अपनी पहचान है, इसके रोड पे जो चमक दमक है वो एक अलग है। क्या बात है जी, क्या बात है, हर तरफ एक अलग कुदरत का नजारा। वेल आई थॉट आई वुड रीच टू कालाम एंड आई वुड कवर कालाम इन दिस एपिसोड, बट मैनु रोकया गया। मैं रुकया नहीं थी, रोका मुझे नजारों ने। और रुकने के बाद अब हल तो यही बनता है, क्योंकि मैं तो हूँ मुसाफिर और मुसाफिर का काम है आगे बढ़ते चले जाना। और जहां जाऊंगा ट्रस्ट मी आई विल शो यू वो कुछ जो आपने नहीं देखा होगा, और अगर आपने देखा होगा तो इतने हसीन तरीके से नहीं देखा होगा। तो फॉलो कीजिए हर दिल बोले पाकिस्तान को, क्योंकि ये सफर है ही पाकिस्तान का, और हर वो इमेज पाकिस्तान की जो खूबसूरती है हमसे छुप नहीं सकती। फॉलो मी टू द नेक्स्ट एपिसोड। पता